अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर बशा और आज हम बात करेंगे नेक मसल्स को किस तरीके से रिलैक्स करते हैं। सो इसमें कोई वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक मसल्स को जब काफ़ी लोगों को हड्डियों का इश्यू होता है तो नेक मसल्स या स्ट्रेस में होते तो बहुत ज़्यादा अगेन झगड़े भी होते हैं। तो किस तरीके से इसको रिलैक्सेशन मोड पे लेकर आएंगे, सिंपल आपने एक उंगली यानी अपनी सेंटर पे लेकर आनी है, नोज़ को ऊपर की तरफ यानी चिन को ऊपर की तरफ एलिवेट करनी है, नोज़ को हमने फिंगर के पास लाने की कोशिश करनी है कि हम टच करें। ये एक्सरसाइज आपने निहायत ही स्लो करनी है, क्योंकि आपकी इंटायर स्पाइन इसमें इन्वॉल्व होती है। लिटिल बिट फास्ट नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ लिटिल बिट होल्ड अप करना है। यानी हमने सेंटर पे ले जाके आपने नोज को टच करना है उंगली से। अब दूसरी चीज हमने करनी है, ये अपर एंड लोअर ऑर्बिकुलर एरिया का है, यानी जॉ लाइन जिसे हम कहते हैं, निचला हिस्सा एंड अपर एक्सट्रीमीज, तो हमने एक्सटेंड करना है एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग वन मोर टाइम, रिलैक्स ब्रीदिंग। स्पेशली क्योंकि हम लंग्स को क्लीन आउट करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, क्लेंजिंग पे डालते हैं, तो ब्रीदिंग आपने 10 से 20 रेप्स जरूर लगाने हैं बिफोर या आफ्टर एक्सरसाइज। बेस्ट थिंग है बिफोर कीजिए, आफ्टर कूलिंग डाउन। सो आई होप आज की आप एपिसोड जरूर पसंद आई होगी। आपको फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर मुबशर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।